दोस्तों किन्नर नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसा नाम है ये किन्नर। जब कभी भी हमारे मोहल्ले में या फिर हमारे घर में किन्नर आते हैं तब सभी लोग दूर दूर से देखने चले आते हैं और तब ये अपना नाचना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है कि किन्नरों का बोला हुआ हर एक वचन 100% सत्य हो जाता है। इसी डर से कोई भी इनकी बद्दुआ नहीं लेना चाहता और शादी में जब ये बधाई मांगने के लिए आते हैं तो ये जितना मांगे लोग फटाफट उतना पैसा निकाल के दे देते हैं। और लोगों को ये भी डर लगता है कि कहीं ये नाराज होके ना चले जाएं और हमें कोई बद्दुआ ना दे दें। आज के टाइम में लोग जितना जागरूक हैं उतने ही अंधविश्वासी भी हैं। लोग इतना यमराज से नहीं डरते जितना किन्नर की बद्दुआ से डरते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनका समुदाय बहुत पुराना है। ये जब चाहे जहां मर्जी अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं और बधाई मांगने लगते हैं। आज की वीडियो में हम आपको किन्नरों के ऐसे ही कुछ राजों के बारे में रूबरू कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों किन्नरों की मौत को राज ही रखा जाता है। जब कोई किन्नर मरता है तो उसकी अर्थी रात में ले जाते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अगर किसी ने मरे हुए किन्नर को देख लिया तो अगले जन्म में वो किन्नर बनके आ जाएगा। इसीलिए किन्नरों की शव यात्रा रात के समय में सबसे छुपाकर नाचते गाते निकाली जाती है। कहा जाता है कि किन्नरों से लिया गया एक सिक्का भी अपने पर्स में रख ले तो धन की कभी भी कमी नहीं होती है। माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री राम जी से वरदान प्राप्त है कि ये जिनको दुआ देंगे वो बहुत जल्द ही पूरी हो जाती है, तभी ये शादी में जाकर लड़का हो परिवार सुखी रहे ऐसी दुआएं परिवार को दे जाते हैं। दोस्तों आप ये भी सोचते होंगे कि किन्नर कभी शादी करते हैं, तो हाँ आज हम आपको बता रहे हैं कि हाँ किन्नर शादी करते हैं, पर वो शादी सिर्फ एक रात के लिए होती है। किन्नर सिर्फ अपने ईष्ट देवता अरावत से ही शादी करते हैं और अगले ही दिन उनकी मौत हो जाती है और वो विधवा हो जाते हैं। किन्नर समुदाय का ये मानना है कि अगर जब वो बधाई मांगने के लिए आते हैं तब अगर उनका ढोल फट जाए तो ये इस बात का इशारा होता है कि वो बच्चा किन्नर होगा, और किन्नर समुदाय के लोग उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं और उसकी परवरिश अपने पास रख कर करते हैं। अगर बच्चे के जन्म से ही जननांग खराब हो तो किन्नरों को वो सौंप दिया जाता है, और जब वह बड़ा होता है तो उसको बधिया कर दिया जाता है, मतलब कि उसका जननांग काट देते हैं और वह उस समाज में शामिल हो जाता है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी, किन्नरों का समाज पिछले 4000 सालों से पल रहा है और ये हमारे समाज का बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। हाल ही में हमारे बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार जी ने भी इन पर एक फिल्म बनाई है और उसमें एक किन्नर का रोल प्ले किया है। उस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक किन्नर ने किन्नर समाज के लिए उसके अधिकारों के लिए जंग लड़ी। तो दोस्तों ये थी कुछ किन्नरों के बारे में रहस्यमयी बातें। वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।